हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का जो वीडियो है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं आपके साथ एक लुक शेयर करूंगी और यहाँ पे जो फिलहाल मैंने क्रिएट किया है, तो ये जब मैंने क्रिएट किया ना, तो मेरे दिमाग में ये थॉट आया क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूँ। क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कहीं पर जाने के लिए जब हम रेडी होते हैं ना, तो बस अच्छा नहीं लगता है, उस लुक को हम चेंज करना चाहते हैं, बट हड़बड़ी में हमें नहीं समझ में आता कि क्या चेंजेस करें जिससे कि एक बोरिंग लुक स्टाइलिश लुक में कन्वर्ट हो जाए। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं चेंजेस, क्या क्या चीज़ें मैं चेंज करती हूँ और एक बोरिंग लुक से एक स्टाइलिश लुक क्रिएट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी जो मैंने ये जो साड़ी पहनी है ना, ये ब्यूटीफुल सी एक सिल्क की साड़ी है, बट जब मैंने इस साड़ी को इस तरह से पहना ना, तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग दिख रहा था। दो मैंने इसके साथ कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज भी पहनी है, ब्लू कलर की ब्लाउज है पिंक साड़ी के साथ। फिर भी यहाँ पे देखो आप, नेक पीस भी मैंने मल्टी कलर में डाली है क्योंकि साड़ी बिल्कुल प्लेन है तो इसलिए, और चूड़ियाँ भी मैंने मल्टी कलर की पहनी है, फिर भी ना बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था। तो चलो देखते हैं क्या क्या चेंज करके हम इस लुक को बोरिंग से स्टाइलिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले ही तो मैंने ब्लाउज़ को चेंज किया जो कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर में था, बट उसका जो सेम कलर का जो ब्लाउज़ है उसी को मैंने इसके साथ पहना और मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और मैंने जो पल्लू को मैंने प्लीट्स करके लिया था ना, उसको मैंने ओपन कर लिया। तो जब भी आप प्लीट्स करके साड़ी को पहनते हो ना और आप ओपन पल्ला साड़ी को लेते हो, तो आप देखोगे इंस्टेंटली आपकी लुक में एक ग्रेस ऐड हो जाती है और बहुत सुंदर और बहुत स्टाइलिश दिखता है। तो ओपन पल्ला मैंने कर लिया। फिर बारी आई जो नेक पीस है उसको चेंज करने की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके वजह से लुक जो है वो थोड़ी सी डाउन दिखा रही थी। तो मैंने इसकी जगह पे एक लेयर्ड नेकलेस पहनी है जो बहुत ही सुंदर सा एक नेक पीस है। और फिर मैंने जो ये मल्टी कलर की चूड़ियाँ है ना उसको निकाला, और मल्टी कलर की चूड़ियों की जगह पे मैंने गोल्डन, जो ये मेरी एक वॉच है, इसको पहनी और साथ में मैंने गोल्डन चूड़ियाँ पहनी। तो गोल्डन चूड़ियाँ जो है ना, ये जो साड़ी में पूरा जो साड़ी है इसमें एक गोल्डन शाइन है, तो इसको ये इसके साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा था। और चूड़ियाँ और इस तरह की वॉच आप एक साथ पहन सकते हैं, बहुत अच्छा दिखता है और स्टाइलिश इस तरह से आप एक लुक क्रिएट कर सकते हैं इस तरह का। तो ये आपके ऊपर है, आप एक वॉच भी लगा सकते हैं, साथ में इस तरह की गोल्डन चूड़ियाँ भी डाल सकते हैं, बहुत सुंदर दिखती है। तो कुछ इस तरह से मैंने किया, और लेफ्ट हैंड में कुछ इस तरह से किया और राइट हैंड में मैंने जस्ट गोल्डन चूड़ियाँ डाली है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। अच्छा, तो अभी तक जो जो चेंजेस हमने किए हैं ना, मतलब मैंने जो नेक पीस चेंज किए हैं, ब्लाउज़ को चेंज किया है और हाथों की जो चूड़ियाँ है कलरफुल चूड़ियाँ चेंज किए, तो बस इन्हीं सब चेंजेस से ना एक बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आ रहा था। अभी जो मैं करूँगी वो है बिंदी। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की बिंदी लगाई क्योंकि जो ब्लाउज़ है उसके साथ मैंने मैच करके लगाई थी। अभी मैंने सोचा इसको निकालती हूँ और छोटी बिंदी लगाती हूँ, मैं जो हमेशा लगाती हूँ छोटी बिंदी, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा दिखता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी कोई लाइट कलर की कोई साड़ी आप पहनते हो ना, या फिर कोई भी आउटफिट आप पहन रहे हो, या फिर येलो कलर की आउटफिट जो है उसके साथ कभी भी सेम कलर का जो बिंदी होता है ना वो मत लगाइए। एक शेड डार्क आपको वो बिंदी लगानी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने देखो आप ब्लू कलर की बिंदी लगाई ना, तो उसको भी मैं छोटी लगा सकती थी, और जो पिंक कलर, ये लाइट पिंक में है ना, मैंने इसको जो डार्क पिंक है उस तरह से लगाई। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अभी आप देखो क्या क्या चीज़ें मैंने चेंज की और लुक जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। बालों को मैंने यहाँ पे खोल लिया है, खुले बाल हमेशा अच्छे दिखते हैं, हमेशा आपको स्टाइलिश दिखाता है, तो आप बालों को खोल सकते हैं। और यहाँ पे मैं बांध के भी कोई भी हेयर स्टाइल भी कर सकती थी, उसे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता। बट हाँ, साड़ी को जब मैंने ओपन पल्ला पहना और ये छोटी छोटी चीज़ें चेंज किए, तो आप देखो बहुत अच्छा दिख रहा था और इंस्टेंट जो लुक है उसमें एक स्टाइल ऐड हो गया। तो कुछ इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं, और हमेशा ज़रूरी नहीं कि कॉन्ट्रास्टिंग कलर का ब्लाउज ही आपको पहननी होती है। सेम कलर का ब्लाउज ना एक अलग ही ग्रेसफुल लुक देता है और साड़ी की ग्रेस जो है वो और बढ़ा देती है। दो साड़ी जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत प्रिटी साड़ी है, पूरे साड़ी में ना एक गोल्डन शाइन है, तो इसके साथ ना गोल्डन ज्वेलरी, गोल्डन चीज़ें ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई भी बोरिंग से लुक को आप इंस्टेंट आप स्टाइलिश लुक में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट कुछ छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस करके। तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा और आप क्या ऐसा करते हो। हमारे साथ बहुत टाइम ऐसा होता है हम कहीं पे जाने के लिए रेडी होते हैं और हमें लगता है कि जो जिस तरह से हम रेडी हुए हैं वो अच्छा नहीं दिख रहा, और क्या चेंजेस करें वो नहीं समझ में आता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी और वीडियो में। बाय बाय।